तो तेरे हिसाब से कंपैरेटिवली किसमें कॉलिंग बेटर है? और वही आपको कंपैरेटिवली थोड़ा राउंड सर्कल, राउंड सर्कल, राउंड सर्कल क्या होता है, राउंड होता है या सर्कल होता है? राउंड सर्कल। ऑफर्स और डील्स के हिसाब से प्राइस पॉइंट में बंद करो। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने जैसे ही बोट निर्वाणा आयरन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज पे वीडियो डाला ही था, आप लोगों के बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ गए कि आपको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए ओप्पो एनको बड्स 2 के साथ। और मैंने वैसे ही सोच के रखा था कि ओप्पो एनको बड्स 2 के साथ इसको कंपेयर जरूर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ओप्पो एनको बड्स 2 हमारे वन ऑफ द फेवरेट ईयरबड्स हैं 2000 रुपीज के आसपास जो प्राइस रेंज है। तो जो भी नए ईयरबड्स लॉन्च होंगे उसको हम बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल डिटेलिंग चेक करनी बनती ही बनती है। इस वीडियो में आपको सारी प्रॉपर टेस्टिंग मिलेगी डिटेलिंग के साथ, ताकि अगर आप कंफ्यूज हैं दोनों में से किसको परचेज करना चाहिए, एंड तक सब डिटेलिंग चेक करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेकआउट करते हैं सबसे पहले दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। हे यू कैन सी कंपेयरिंग द बोट निर्वाणा आयरन विद द ओप्पो एनको बड्स 2, दोनों में ही आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा, साथ ही में दोनों में ही आपको IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। 10mm के आपको ड्राइवर्स मिलने वाले हैं दोनों में ही SBC AAC कोडेक सपोर्ट के साथ। बोट में आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय हाईफाई DSP का सपोर्ट मिलेगा, और ओप्पो में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलने वाला है। और बोट में आपको मिलेगा डुअल इक्वलाइजर मोड्स, बैलेंस मोड और सिग्नेचर मोड मिल जाएगा। ओप्पो में आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है, वहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं इक्वलाइजर मोड्स। दोनों में ही आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। बोट में आपको इनर डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है जो कि ओप्पो में मिसिंग है। दोनों में ही आपको नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलेगा फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दोनों में आपको मिलने वाला है। और बैटरी की बात करेंगे, बोट में आपको मैसिव 24 आवर्स तक का प्ले टाइम क्लेम किया है ब्रांड ने ऑन अ सिंगल चार्ज, अगर आप म्यूजिक को 60-70% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो। और ओप्पो में आपको 5-6 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। और बोट में आप ओवरऑल चार्जिंग केस को यूज करके 120 आवर्स तक का मैसिव प्ले टाइम ले सकते हैं, और ओप्पो में आपको ओवरऑल 28 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा यूजिंग द चार्जिंग केस। साथ ही में दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, और दोनों का ही प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपीज। और जो प्राइस पॉइंट है दोनों का काफी फ्लक्चुएट होता रहता है, ऑफर्स और डील्स के हिसाब से प्राइसिंग में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होने को देखने को मिल सकती है। तो मैंने बेस्ट क्या किया है, सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे व्यू प्रोडक्ट्स करके आपको एक टैब भी दिखा देगा, वहां पर भी मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके इनको ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को ही सेम प्राइस पॉइंट में कंसिडर करके कंपेयर करते हैं तो देखा जाए फीचर्स आपको दोनों में ही बढ़िया मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी। लेकिन जो बोट है बिल्कुल टक्कर दे रहा है, आप हल्के फुल्के एनहेंसमेंट बोल सकते हैं फीचर्स पार्ट को लेकर एज कम्पेयर टू ओप्पो। जो बैटरी लाइफ क्लेम की गई है, मैं आपको सही बताऊं, मैंने पूरी प्रॉपर तरीके से बैटरी तो टेस्ट नहीं की हुई है, लेकिन हाँ मैंने इसको एक बार चार्ज किया, अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, है ना। हम थोड़ा बहुत यूज करके वापस बड्स को केस के अंदर रख देते हैं, फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रांड ने क्लेम की बैटरी लाइफ डेफिनेटली आपको मिल जाएगी अगर आप म्यूजिक को 60-70% वॉल्यूम पर सुनेंगे तो। बैटरी आपको भर भर के मिलने वाली है बोट में एज कंपेयर टू ओप्पो, बाकी आपको फीचर्स दोनों में ही बिल्कुल टक्कर वाले मिलने वाले हैं। बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ जो केस है आपको बल्कि मिलेगा बोट का एज कंपेयर टू ओप्पो। और अगर हम बोट के केस की बात करेंगे, यहां पे आपको पूरा मैट फिनिश का केस मिलने वाला है, बोट की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी यहां पे। फ्रंट में बैटरी इंडिकेटर लाइट दी गई है, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा एक यहाँ पर रीसेट बटन के साथ, और जो पूरी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है, बिल्ड को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और थोड़ा मोटा केस है लेकिन इसको आप ऐसे कैरी कर सकते हैं पॉकेट में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और वहीं आपको मिलने वाला है राउंड डिजाइन का, कंपैरेटिवली आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट केस मिलेगा ओप्पो का एज कंपेयर टू बोट। यहाँ पे पूरा मैट फिनिश का केस दिया गया है, साइड में आपको ग्लॉसनेस की स्ट्रिप दी गई है, लुक एंड फील काफी बढ़िया प्रोवाइड करता है केस। नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट और एक छोटा सा बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाला है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको काफी हद तक दोनों में इंप्रेसिव मिलने वाली है। और अगर हम केस के लॉक की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों में आपको प्रॉमिसिंग लॉक मिलने वाला है, ऑटोमेटिक ऐसे बंद नहीं होता है, आपको मैनुअली बंद करना पड़ेगा। लॉक भी काफी यहाँ पे इंप्रेसिव मिलने वाला है दोनों ही बड्स को लेके। और अगर हम बड्स की बात करेंगे तो बड्स आप देख सकते हैं दोनों में ही स्टैम शेप के ईयरबड्स मिलने वाले हैं, दोनों का ही लुक एंड फील काफी इंप्रेसिव दिया गया है। कंपेरेटिवली आपको थोड़ा बहुत लंबे साइज के बड्स मिलेंगे ओप्पो के एज कंपेयर टू बोट, लेकिन जो लुक एंड फील है दोनों में आपको बढ़िया मिलने वाला है। जो बड्स का एरिया है दोनों में आपको ग्लॉसनेस मिल जाएगी, थोड़ा टेक्सचर्ड मटेरियल यूज किया गया है बोट में एज कंपेयर टू ओप्पो। ओप्पो में आपको पूरे प्लेन डिजाइन के बड्स मिलने वाले हैं। और अगर हम सिक्योर फिट की बात करेंगे तो यहाँ पे ओप्पो में ना आपको अच्छा सिक्योर फिट मिल जाएगा, थोड़े मोटा साइज दिया गया है बड्स के एरिया को लेके। मुझे लगा कभी कभी ना थोड़ा बहुत इसमें स्लिपरी मटेरियल यूज किया गया है, मुझे लगा कभी कभी कानों स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं, हालांकि गिर तो नहीं रहे थे कानों से, लेकिन कभी कभी ऐसा फील होता है कानों से गिर सकते हैं। लेकिन जो परफेक्ट सिक्योर फिट है मेरे को हल्का फुल्का बेटर लगा बोट का एज कंपेयर टू ओप्पो। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर ईयरकफ्स लगाएंगे,
कानों में बिल्कुल अंदर तक प्रॉपर तरीके से पैक करते हैं। डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, काफी लाइट वेट ईयरबड है, इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। दोनों में ही आप बिल्कुल सिक्योर फिट बोल सकते हैं, हैवी एक्टिविटीज के टाइम भी यूज करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पर आपको जो प्लस पॉइंट है, ओपो में आपको मिलने वाला है हे मेलेडी एप्लीकेशन का सपोर्ट, जो कि एप्लीकेशन का सपोर्ट ऐसे को यहाँ पे नहीं दिया गया है बोट में। यहाँ पे अगर आप सिंपली जाएंगे सेटिंग्स पार्ट में भी, अगर ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप ईयरबड्स फंक्शन में जा सकते हैं। अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको बेस बूस्टेड मोड, क्लियर वोकल्स, ओरिजिनल साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। बैटरी परसेंटेज आप चेकआउट कर सकते हैं केस की और बड्स की। और यहाँ पर जो टच कंट्रोल्स, उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि सिंगल टैप, डबल टैप, टच एंड होल्ड से क्या हो, प्रॉपर आपको सारे सारे फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं ओप्पो में। और इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका फोन सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस तो आप प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं आपको एक्जैक्टली डॉल्बी एटमॉस के इफेक्ट्स कैसे चाहिए, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे चाहिए, तो बढ़िया आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा ओप्पो में। एप्लीकेशन का पार्ट साफ साफ प्लस पॉइंट दिया गया ओप्पो में एज कम्पेयर टू बोट। लेकिन बोट में भी आप बिल्कुल फुल टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, आप सारे के साथ फीचर एक्सेस कर सकते हैं, सब आपको कंप्लीट तरीके से टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे, उसको लेकर कोई इशू नहीं लगा मुझे। और यहाँ पर बोट में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को कानों से बाहर निकाल देंगे, इंस्टेंटली म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस आप कानों में लगा देंगे, म्यूजिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इन ईयर डिटेक्शन फीचर को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, और ये वाला पार्ट मिसिंग है ओप्पो में। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फीचर एक्स्ट्रा दिए गए बोट में, और कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे ओप्पो में। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस की, हालांकि दोनों में ही आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, और गेमिंग मेरे को दोनों में ही बिल्कुल बढ़िया लगी। जो इन ऑडियो एक्सपीरियंस है, आपको लेफ्ट राइट का सेपरेशन हो गया, फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं, जो स्टीरियो सेपरेशन है उसको लगे कोई दिक्कत नहीं लगने वाली है, आपको एक्जैक्टली पता चलेगा एनिमीज कहाँ से आ रही है। लाउड आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है दोनों में ही। गेमिंग पार्ट को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा, लेकिन हल्का सा बोलते ना माइनट समय को हल्का फुल्का जो लेटेंसी थोड़ी बहुत कंपेरेटिवली कम लग रही थी, आधा परसेंट आप बोल सकते हैं, आगे बोल सकते हैं लेटेंसी पार्ट को लेकर ओप्पो में मेरे को हल्की फुल्की बेटरमेंट लगी लेटेंसी पार्ट को लेकर एज कम्पेयर टू बोट। लेकिन दोनों में आपको बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दोनों का ही गेमिंग मोड सही तरीके से वर्क करता है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉलिंग की, दोनों में आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है। मैंने आउटडोर कंडीशन में बात की रोड साइड पे, दोनों के थ्रू आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको अंदर लग जाएगा किसकी कॉलिंग बेटर है। हेलो, आप पूजा क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ, आप बताओ। बस यहाँ पे भी लगे पड़े काम है। अभी मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ ओप्पो एनको बड्स 2 का, बोट निर्वाणा आयरन प्रो वाली फीचर्स के साथ। अभी ऑफिस की बात कर रहा हूँ आउटर कंडीशन में। ओके, मैं ओप्पो एनको बड्स 2 से बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो मेरी आवाज तुझे कैसी आ रही है? आपकी आवाज क्लियर है, मतलब सुनाई दे रहा है जो आप बोल रहे हो सर। बाकी क्लैरिटी लाउडनेस को लेके, एक्टिविटीज को लेके, बैकग्राउंड की लाउडनेस भी अच्छी है और क्लैरिटी भी काफी अच्छी है वॉइस की। तो बाकी बैकग्राउंड एक्टिविटीज यहां से गाड़ियां जा रही हैं, इसकी आवाज आ रही है कंपैरेटिवली? बैकग्राउंड नॉइज है बट मिनिमम है, मतलब अभी जैसे थोड़ी गाड़ियां जा रही हैं तो हल्का सा महसूस हो रहा है। अच्छा, हम लोग तो इसको बोट निर्वाणा आयन से कॉल करूंगा, बताना कौन सा बेटर है। ओके ओके। हेलो हेलो, हाँ पूजा, मैं केस से ना बोट निर्वाणा आयन ट्रू वायरलेस ईयरबड से बात कर रहा हूँ। अब कंपैरेटिवली देखो इसकी आवाज कैसी लग रही है एज कम्पेयर टू ओप्पो? इसकी आवाज क्लियर है, मतलब ओप्पो की भी क्लियर थी बट इसकी ज्यादा बेटर है। बाकी एक्टिविटीज बैकग्राउंड को लेके, लाउडनेस को लेके? बैकग्राउंड एक्टिविटीज ऐसे मिनिमली महसूस हो रही हैं, आपके आवाज पे है फोकस। अच्छा, तो कंपैरेटिवली तेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बेटर है बोथ एज कंपेयर टू ओप्पो? यस। ओके पीटर, थैंक यू। ओके, तो कॉल रिकॉर्डिंग सुन के आपने देख लिया मैं कहाँ खड़ा हुआ था आउटर कंडीशन में। मेरी सिस्टर बोल रही थी कि हल्की फुल्की जो क्लैरिटी है वोकल्स पार्ट को लेकर उसको बेटरमेंट लग रही थी बोट में एज कम्पेयर टू ओप्पो। बैकग्राउंड एक्टिविटीज थोड़ी बहुत बोलते ना दोनों काफी हद तक कैंसिल कर रहे थे, लेकिन जो हल्की फुल्की बोलते ना आधा कदम आगे बोल सकते कॉलिंग पार्ट को लेकर यहाँ पे आपको बोट बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू ओप्पो। ये एक प्लस पॉइंट है बोट की। बात करेंगे आप साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। भाई अगर आप प्योरली म्यूजिक लवर और बेस लवर दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। अगर हम बोट की बात करेंगे, इसमें आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय हाईफाई डीएसपी का सपोर्ट मिलने वाला है। ये बिल्टन है, आपको ऐसा कोई मोड नहीं दिया गया इसमें स्विच करने का, बिल्टन आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको दो इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, बैलेंस मोड और सिग्नेचर मोड। जो सिग्नेचर मोड है इसमें आपको प्रॉपर बेस इफेक्ट्स मिलने वाले, प्रॉपर आपको पंजीनियस सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे बढ़िया से। और जो इसका बैलेंस मोड है इसमें बेस काफी तक कम कर देगा, वोकल से बिल्कुल फोकस डालेगा, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन पे वोकल से क्लैरिटी बढ़िया दी गई है, डिटेलिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बढ़िया आपको आउटपुट मिल जाएगा बोट में। और वहीं अगर हम ओप्पो की बात करेंगे, इसमें भी बिल्कुल आउटपुट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, दोनों में आपको लाउड एक्सपीरियंस मिलने वाला है, लाउडनेस बहुत ज्यादा दी गई दोनों ईयरबड्स में। ओप्पो में भी आपको बिल्कुल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ओरिजिनल साउंड सुनना है, बेस बूस्टेड में सुनना है, क्लियर वोकल्स आपको फोकस डालना है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। आपको कैसे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स चाहिए, डिटेलिंग से इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और बेस की बात करेंगे, मेरे को हल्का सा बोलते हैं ना ज्यादा एक्स्ट्रा बेस, अगर आप बिल्कुल प्योरली बेस लवर है, आपको कानों में बिल्कुल गूंजता हुआ सराउंडिंग पावरफुल बूस्टेड बेस चाहिए, दोनों में आपको अच्छा बेस मिल जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का आधा कदम मुझे हल्का
करोड़ का एक्स्ट्रा बीस एफएक्स लगे ओप्पो में एज कंपेयर टू बोट। लेकिन देखा जाए बोट काफी हद तक बिल्कुल टक्कर दे रहा है आउटपुट के मामले में म्यूजिक और बेस को लेकर भी इस प्राइस पॉइंट में एज कंपेयर टू ओप्पो। लेकिन हल्का फुल्का आपको माइन्यूट से आधा कदम आगे बोल सकते हैं आपको बैटर में मिलेगी ओप्पो में एज कंपेयर टू बोट, लेकिन दोनों ही बिल्कुल टक्कर वाली फीलिंग दे रहे एक दूसरे को। तो यार ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस, मैंने आपको सब बता दिया कौन किस में आगे है कौन किस में पीछे है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑफ फॉर, यार मुझे ओप्पो एक तरीके से देखा जाए मैं बिल्कुल इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स हैं। मेनली आपको म्यूजिक और बेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी आपको गेमिंग चाहिए कॉलिंग इसमें आपको डिसेंट मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अगर आपको मैसिव बैटरी लाइफ भी चाहिए, अगर दोनों ही आपको सेम प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं तो देखा जाए बोट बिल्कुल टक्कर दे रहा है इस टाइम पे ओप्पो को। यहाँ पे आपको मैसिव बैटरी लाइफ मिलने वाली है, इनर डिटेक्शन फीचर का प्लस पॉइंट दिया गया है, आपको डुअल इक्वलाइजर मोड्स मिल जाएंगे सही तरीके से वर्क करते हैं, आउटपुट भी काफी हद तक टक्कर दे रहा है, बिल्कुल हल्का फुल्का नीचे है आधा कदम नीचे है लेकिन फिर भी टक्कर दे रहा है ओप्पो को, कॉलिंग आपको बेटर मिलने वाली है, गेमिंग आपको बढ़िया मिल जाएगी। तो आप डेफिनेटली इस टाइम पे अगर आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो आप मेरे हिसाब से देखो दोनों ही बढ़िया, ऐसा नहीं बोलूंगा ये खराब है वो खराब है, दोनों ही बढ़िया हैं। अगर आपको सेम प्राइस पॉइंट में मिले तो इस टाइम आप ट्राई दे सकते हैं बोट को एज कम्पेयर टू ओप्पो, अगर आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो। मैंने आपको फिर भी दोनों के सारे प्रॉपर डिफरेंसेस बता दिए टेस्टिंग के साथ, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है कहां आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने दोनों के दोनों पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप चेकआउट करके उनको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the Boat Nirvana IN with the Oppo Enco Buds 2 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.